पंच बाला माँ, पंच देके कोई डायलॉग बोल तो। दूध पीना सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, टीवी में दिखाते हैं, खूब पियो खूब जियो। मैं तुझसे सवाल पूछ रहा हूँ, तू उधर क्यों देख रहा है? सर कैमरे की तरफ देख के बात करूंगा तभी तो ऑडियंस ताली बजाएगी। जवाब तो आया नहीं। आएगा सर, आप सिर्फ मुझे एक चांस देकर देखिए, पूरे भारत को पागल नहीं किया मेरा नाम नहीं। नहीं दूं तो पूरा हिंदुस्तान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। वो क्यों? मुझे अपने चांस क्यों नहीं दिया ये पूछने के लिए। डरा रहे हो क्या? ओवर कॉन्फिडेंस है। चांस देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, खुद को एक्शन हीरो बोलता है, कुछ करके दिखा। महाराष्ट्र के संदीप डांगे साहब, इस अंडरग्राउंड मोगैम्बो को मेरे सामने लेकर मत आना, समझे? अगर गलती से भी उसको सामने लाए तो उसको कपड़े की तरह धुलूंगा, मैं उसे मार दूंगा, काट दूंगा, विष पिलाऊंगा, लटका दूंगा, जला दूंगा, गाड़ दूंगा उसको। तुझे पिक्चर में लूंगा तो बिना डबिंग के ही हिंदी पिक्चर बन जाएगी और हिट हो जाएगी। नहीं सर, भूल से भी ऐसी गलती मत करना, नहीं तो आपकी पिक्चर फ्लॉप। देखो तो चेहरे पे ये दर्द, ये आंसू, तू तो इमोशनल ड्रामा भी कर लेगा। अरे सर वो तो गलती से अंदर घुस गया, पता नहीं कैसे बाहर निकलेगा। मतलब? जोश में आकर चाकू गलत जगह घुसा दिया, चाकू पॉकेट में जाने के बजाय कहीं और चला गया साहब। मैं आता हूँ सर। ए, अरे वो चाकू तो देता जा। अभी नहीं दे सकता सर, डॉक्टर के पास जाऊंगा, ऑपरेशन होगा, जब चाकू निकलेगा तो आपको कुरियर कर दूंगा सर। अरे इस बचे हुए को रखकर क्या करूंगा। हाई पिच में जाके ये तो गाना भी गा सकता है। अरे अरे अरे, चांस मांगने आया था लेकिन बुरा होके जा रहा हूं भाई। दोनों जगह चाकू घुसा है, मुहूर्त देख के घुसवाया हूँ भाई, मैं एक चाकू का स्टैंड हूँ। चाकू स्टैंड? हाँ। पेन स्टैंड तो मैंने सुना है, अगरबत्ती स्टैंड भी सुना है। हाँ। चाकू स्टैंड क्या होता है? अब मैं एक मजाक उड़ाने का सामान बन गया हूँ भाई। सर सर, चाकू घुस गया, मैं फुसो हो गया। सर, कोई चीज अगर कहीं से गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जहां से गिरी वहीं वापस डाल देनी चाहिए। ए अनु, ये ले तेरा बोर्डिंग पास। थैंक यू। सब कुछ संभाल के ले जाना। हाँ ठीक है, तुम कुछ बताने वाले थे ना? कौन, मैं? हाँ भूल गए क्या? हाँ, चंदन के बारे में। एक दिन तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुम्हारे बचपन का दोस्त चंदन और तुम दोनों के बचपन के प्यार और अपने साथ बिताए हुए हर लम्हे के बारे में लिखा है तुमने। मेरी आशाएं तो नहीं, पर मेरे माँ बाप की आशा, तुम्हारे माँ बाप की आशा, सभी को लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने ही तुम्हें विदेश में पढ़ाया है। अब क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुमसे सिर्फ एक छोटी सी आशा रखी थी, लेकिन उसने तुम पर पूरा भरोसा किया है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओके अब चलती हूँ, बाय। ए अनु। हाँ? जन्मदिन पर जब तू मंदिर जाएगी और तुझे चंदन मिले तो मुझे फोन जरूर करना। अरे दो साल कंप्यूटर कोर्स क्या कर लिया, अमेरिका में रहने वाले लड़के से शादी करने जा रही है। स्टार्ट कैमरा। हाँ उतरो। ओके भैया। ठीक है भैया, ये बदमाश लोग हमेशा तंग करते रहते हैं। वो लोग जो चाहे करें, तुम ध्यान मत देना, ठीक है? ओके बाय। अरे यार, जब ये इतनी बढ़िया है तो इसकी माँ कैसी होगी? तू इतना बड़ा मवाली है तो तेरा खानदान कितना घटिया है। Hey!
छोड़ी मुझे। सर मैं तो मंत्री जी के बेटे का दोस्त हूँ सर। सर ये झूठ बोल रहा है, ये बवाल ही है सर। नहीं सर, चाहे तो आप फोन करके पूछ लीजिए सर। मंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट है, इस प्रोजेक्ट को ओके कर दीजिए। फिक्र मत करो, आपके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। हेलो हेलो सर, मैं एसीपी बोल रहा हूँ। सर ये बाला नाम का लड़का कह रहा है कि मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, बीच रास्ते पर ये झगड़ा कर रहा था। बेटा श्रीधर। यस डैड। बालाजी करके तेरा कोई दोस्त है क्या? यस डैड। बालाजी के साथ जो लड़का झगड़ा कर रहा है उसे रिमांड पर रख लो और उसको छोड़ दो। ठीक है सर, चलो ले चलो इसको। सर सर मैं जानता हूँ तू कौन है, जो भी कुछ कहना थाने में कहना, वहीं सुनवाई होगी। हवलदार ले चलो। सर सर एक मिनट सर, इसकी कोई गलती नहीं है सर। यस, आप कौन? मैं टीवी रिपोर्टर हूँ श्रुति। ये और इसके दोस्त लोग कॉलेज के सामने खड़े होकर लड़कियों से बदतमीजी करते हैं, वो इस कैसेट में रिकॉर्डेड है। विनीत को छोड़ दीजिए और इसको अरेस्ट कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आज के प्रोग्राम में ये वीडियो टेलीकास्ट होगा और आपके सीनियर से लेकर सारे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। ए, उसको ले चलो, इसे छोड़ दो। ए, चल, 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 अंदर। चल, 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 चल। थैंक यू श्रुति, सही वक्त पर आकर तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती। आज का दिन मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। थैंक यू श्रुति, थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैडम, आप आ गई? मम्मी शाम को आएंगी, ऐसा कह करके गई हैं। और डैडी? काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं वो। सर इडली चाहिए सर। ये तुम रखो। अनु, 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 अनु। दादा यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? हाँ आई तो थी, वो इस तरफ को गई है। इस तरफ गई है? हाँ इस तरफ। ओके। अच्छा ये बताओ बेटी, आगे और क्या करना चाहती हो? आगे पढ़ना चाहती हो या कुछ और? अभी कुछ डिसाइड नहीं किया डैडी। तो फिर शादी की तैयारी शुरू करें? उसकी क्या जल्दी है? शादी नहीं करनी, पढ़ाई का नहीं सोचा तो फिर करना क्या है? क्यों जी, अभी तो पढ़ाई पूरी करके आई है, अभी से उसके पीछे पड़ गए। बेटी आपका फोन। हेलो। हेलो। हाय अरुण, एक्सक्यूज मी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। चंदन से मुलाकात हुई? नहीं अरुण, मैं बहुत अपसेट हूँ। तो अब क्या सोचा है? मैं सोच रही हूँ अरुण, बचपन में हुई बातों को किसी
कहानी का रूप दे दूं जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। क्या? हाँ, हो सकता है मेरी लिखी किताब पढ़कर चंदन मुझसे मिलने आए। क्यों, ऐसा चमत्कार हो सकता है ना? तुम्हें ये सब कॉमेडी जैसा नहीं लगता क्या? ये टीवी, ये इंटरनेट वगैरह, तुम्हारी किताब को शायद 10% लोगों ने ही पढ़ा होगा। उन 10% लोगों को भी मैं मिस नहीं कर सकती। जोक्स डिपार्टमेंट लेफ्ट, शेयर मार्केट राइट, स्पॉट पीछे है, न्यूज बगल वाले में। सर, मैं एक कहानी लिखकर लाई हूँ। कहानी? मैं यहाँ पिछले 5 सालों से हूँ, मुझसे एक लेख नहीं लिखा गया। तुमने कहानी कहाँ से लिख ली? सर प्लीज, मुझे प्रकाशक साहब से मिलना है। प्रकाशक साहब बाहर गए, 2 दिन बाद आएंगे। जब वो आएंगे तब तुम आ जाना। सर दिमाग मत खराब कीजिए, जाइए। क्या बात है मणिक जी? यस, कौन है? किसी लड़की से इस तरह से बात करते हैं क्या? क्या काम से आई हैं आप? मैंने एक कहानी लिखी है, उसे छपवाने के लिए लाई हूँ। ओह, तो कहानी लिखकर लाई हैं? अंदर जो बैठे हैं ना वो पूछेंगे, तुम्हारी माँ लिखती है क्या, पिताजी लिखते हैं क्या, दादा लिखते हैं क्या, दादी लिखती हैं क्या, ऐसे पूछकर तुम्हारा सर खा जाएंगे। डैडी, मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। मैं सब सुन रहा था। उनको अंदर भेज दो। गो प्लीज। इसकी कॉपी बनवा दो। ये एक सत्य कथा है सर। इज इट? कहाँ की है? नासिक की है सर। ये किसकी कहानी है? तुम्हारी? मेरे दोस्त की है। ओ, नाम क्या है? चंदन। नहीं नहीं, इस कहानी का नाम क्या है? सिसकियां। अच्छा है। हो जाएगा, डोंट वरी।